दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉइन के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप एक दो महीने या फिर इस साल के एंड तक होल्ड करके रख लेते हो तो वो कॉइन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इस वीडियो में मैं आपको उस कॉइन को लेकर सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि मार्केट में लेकर उस कॉइन को क्या न्यूज है, उसके नए प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं, सब कुछ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली तो ये है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए यहाँ पे खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिसर्च के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जिसको अगर आप खो भी दो तो आपको कोई फर्क ना पड़े। और दूसरी यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी ये बोल दे कि ये वाला कॉइन बहुत ऊपर जा सकता है तो भी आपको लोन लेके पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं जिस कॉइन के बारे में बात करने वाला हूँ वो है EOS। EOS को लेकर मार्केट में अच्छी खासी न्यूज़ भी आ रही हैं और इसके नए प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। EOS की भी फिलहाल में प्राइस बहुत डिप में है, आपके पास मौका है इसको जाने ना दे। और अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो ये आपको 100 गुना तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। आगे चल के EOS के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले EOS को लेकर न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आपने ग्रे स्केल का नाम तो सुना ही होगा। ग्रे स्केल वालों को लेकर मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये डॉट, लिंक, कार्डानो इन पे नज़र रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन इन्होंने EOS पे भी नज़र रखी हुई है। आप नीचे इस आर्टिकल में नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पर, ये नीचे EOS लिख रहा है यहाँ पर, इथेरियम कंपटीटर्स सच एज कार्डानो, तेजोस, कॉस्मोस एंड EOS, इनकी नज़र EOS पे भी है। अगर ये EOS में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो EOS की भी प्राइस बहुत अप जाएंगी। तो दोस्तों ये तो न्यूज़ को लेकर बात हो गई, अब मैं आपको EOS के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप EOS की वेबसाइट पे आएंगे तो आप यहाँ पे इनके नए प्रोजेक्ट्स और न्यूज़ को देख सकते हैं। जैसे कि मैं इनके नए प्रोजेक्ट्स और इवेंट को दिखाता हूँ, या नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखो EOS IO हैकथॉन ऐसा कुछ इनका प्रोजेक्ट आने वाला है। ये बोल रहे वी विल, ये बैक हो गया मिनट से, एक सेकेंड, वी विल अनाउंस द स्पेसिफिक चैलेंज अलॉन्ग विथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वंस द हैशटैग EOS हैकथॉन इज लाइव ऑन Mars 2। आज के दिन ये लॉन्च हो जाएगा लेकिन ये वीडियो कल आएगा। इसी तरह एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है, इसको स्क्रॉल करते हैं, EOS 2.1, फिर एक और देख सकते हो यहाँ पे, ये फ्री ट्रेनिंग वगैरह ये कुछ है, और ये एक और है हैशटैग बिल्ट ऑन EOS IO स्पॉटलाइट। ऐसे कुछ EOS के नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिससे EOS की प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। दोस्तों अगर आपको ये लगता है EOS कोई काम का कोई नहीं है, ऐसे ही है, तो मैं आपको बता दूं EOS को बहुत कामों के लिए यूज में लिया जाता है, बहुत ऐप्स में ये यूज में होता है। ऐसा कोई नहीं है कि ये बना के छोड़ दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं जिनको बस बना के छोड़ दिया गया है और उनका कोई यूज में नहीं होता है, बस ऐसे ही चल रहे हैं वो। लेकिन EOS बहुत सारे यूज में आता है और जो कॉइन किसी काम के लिए बना होता है उसकी प्राइस ऊपर जाती है, आज नहीं तो कल नहीं या फिर एक दो महीने में जाएगी जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ EOS बहुत सारे ऐप्स में यूज होता है जिनकी एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि EOS बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों आपको DApp Radar वाली वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर EOS को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि EOS पे बेस्ट कितने एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस कितना है, यूजर्स कितने हैं, वॉल्यूम, एक्टिविटी वगैरह वगैरह, और कितने सारे ऐप्स हैं एक बार नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 23 पेजेस हैं, तो आप सोच सकते हो EOS कितना काम का प्रोजेक्ट है, इतने एप्लीकेशन तो इस पर बेस्ट है और हर किसी का बैलेंस, यूजर, वॉल्यूम, एक्टिविटी देख सकते हो। तो कुल मिला के बात ऐसी है EOS अच्छा प्रोजेक्ट है। अब मैं इसकी प्राइस का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों EOS की करंट प्राइस की बात करें तो $3.70 है, आप इंडियन करेंसी में करके देख लेना। और इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो यहाँ पे $20 के समथिंग कुछ ऐसा है। अगर ये $20 तक भी पहुँच गया तो आपको कितना प्रॉफिट देगा आप सोच सकते हो, आप खुद से एक बार कैलकुलेटर करके देख लेना। अगर ये ज़्यादा भी नहीं अपनी ये ऑल टाइम हाई प्राइस को टच कर गया वापस से तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।